boy. एक फंक्शन होता है मापांकलन, क्या होता है मापांकलन, हिंदी तो भूल ही जाओ, अंग्रेजी में ही ज़्यादा अगर इसका यूज होगा, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अभी फंक्शन लिखते कैसे हैं इसका, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मोड x, इसको y इक्वल टू भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फलन जो है, ये फंक्शन जो है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इक्वल टू एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स और एक्स लेस देन, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करो, कहने का मतलब ये है तो जो एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो मोड एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, जीरो है, जीरो से बड़ा, तो उसकी वैल्यू स्वयं क्या आ गया एक्स है, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या आएगा माइनस एक्स है, ओवरऑल दोनों ही पोजिशन में वैल्यू इस सारे की क्या रहनी है, पॉजिटिव रहनी। कैसे रहनी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल समझ, यही समझा देता हूँ, एक्स बड़ा थ्री से ले लूँ, मतलब जीरो से बड़ा टू ले लूँ मैं, टू लिया तो टू कैसा आएगा, होगा तो इसने कहा कि अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो क्या लेना है, जुगा तो एक्स लेना, अगर एक्स जीरो से छोटा है तो जीरो से छोटा माइनस वन ले लूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस माइनस वन, माइनस एक्स होगी ना, तो माइनस माइनस वन, तो उस स्थिति में वैल्यू क्या है इसकी वन, और यहाँ भी, यानी कि दोनों स्थिति में ही वैल्यू जो है पॉजिटिव रहनी है मॉडुलस फंक्शन। अब जब वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू तब भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वाई की वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। बाय द वे अगर एक्स एक वैल्यू में जीरो ले लो तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, आ रही आ जाएगी नहीं। अगर मैं इसका एक्स एक्स और वाई एक्स पे ग्राफ प्लॉट करूँ, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, और ये फंक्शन अगर आपने देखा होगा वाई बराबर एक्स, कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, वो कल पढ़ाया था, और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बना था, ये बन गया था एक्स की वैल्यू बढ़ी वाई की वैल्यू बढ़ती चली गई उसी, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा, और जब x नेगेटिव लेंगे तो यहाँ y नेगेटिव आया था उसमें, तो अगर फंक्शन है y इक्वल टू x, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव हो रहा था, लेकिन लग गया मोड, अब x नेगेटिव है तो y भी क्या रहेगा, तो ये लाइन इधर जाने की बजाय ये इधर चले जाए, तो y इक्वल टू मोड x का ये समझ लो नोट,
जो है दूसरा फंक्शन हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स को ब्रैकेट में रखते हैं हम बड़े वाले, बाद में लिख लेना पहले समझ को, ठीक है। अब इसको आप समझ गए ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि अगर हम x की वैल्यू को फ्रैक्शन में लें, ये डेसिमल में लें या फ्रैक्शन में लें, तो एक्चुअल में हमें लेना क्या है, इंटीजर ही लेना है, बड़ा सा बड़ा इंटीजर उस नंबर के पहले का, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस वन से ले माइनस वन लेस देन जीरो जीरो एक्स लेस देन वन वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू टू लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन, इनकी वैल्यू क्या होगी इन कंडीशन। देखिए x की वैल्यू अगर माइनस वन से बड़ी है और जीरो, तो उस समय जो x के हम एग्जैक्ट में वैल्यू लेंगे वो माइनस वन लेंगे, क्योंकि इंटीजर क्या है माइनस वन है। इससे पहले अगर जीरो और वन के बीच हम मान के हमने वैल्यू वन बाई टू ले ली और इसके आगे हम इसको हम ये ब्रैकेट लगा दें, इसका मतलब हमें क्या लेना है जीरो, क्योंकि वन बाई टू से पहले इंटीजर क्या है जीरो है। एक और दो के बीच में अगर x की वैल्यू है कोई और हम कहते हैं कि मान लिया क्या है थ्री बाई टू है, इसके ये लगा दे इसका मतलब क्या डेढ़, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी टू और थ्री के बीच में, तो इसकी वैल्यू टू होगी। मैं अगर कहीं लिख दूँ तो ये 99 ओ नहीं प्लस का 100, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाए वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, अगर हम एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं, कहाँ है एक्स की वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच में, अगर यहाँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि ये ग्राफ जीरो और माइनस वन के बीच वाई क्या रहेगा माइनस वन, लेकिन इसमें ये जीरो वाली जगह को ये फंक्शन टच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से क्या है वो, हाँ इसी तरह जीरो और वन के बीच में वाई की वैल्यू क्या आएगी जीरो आ गई, वन और टू के बीच में एक्स की वैल्यू वन और टू के बीच में है यानी कि यहाँ रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू कितनी है वन, यानी कि यहाँ, ठीक है। और इसमें क्या इसकी वैल्यू टू होगी, तो टू के आगे ये गोल घेरा सकते, ठीक है। ये इस तरह का फंक्शन है, ये इस तरह के बन सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ।
हाँ इसे उतार लो बस, फिर एक आपका बचता है लिखिए, हमने अब तक सेट पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा। अब हम थोड़ा सा रिलेशन पे फिर चर्चा करते हैं, या पहले काम करते हैं थोड़ा सा फंक्शन का काम है, फंक्शन पढ़ लो या रिलेशन ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर फंक्शन पढ़ लो। जो भी खत्म हो देखिए, रिलेशन आपकी समझ में आ रहा है, रिलेशन को जरा एक रिकॉल कर लें। हमने बताया था कि रिलेशन के लिए दो सेट चाहिए, ए एंड बी, ठीक है। आगे हमने भी कह दिया था कि अगर कहीं ये कहता है कि रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब ए ही दो बार है, कैसा है वो, आर सच दैट ए टू एक रिलेशन। अभी हमने फंक्शन भी पढ़े हैं ऐसे, जैसे कि R to R हो, वो सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ R रिलेशन है, ये चीज़ हमने कही थी। अब हमने समझा क्या है रिलेशन को, हमने रिलेशन को अब तक ये समझा, सपोज करो हमारे पास एक सेट A की ये है, हाँ वन टू, ठीक है,
एक सेट हमने बी ले लेते हैं, ए बी ये तो पढ़ाता है हम, क्या करते हैं कि भाई हम ए क्रॉस बी का क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब इसका निकाल लेंगे क्या आएगा, वन ए वन बी टू ए और टू, ये आया था। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि जो रिलेशन है, रिलेशन आर वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी। कहने का मतलब ये है अगर मैं सिंगल एक ऑर्डर पेयर इसे ले लूँ, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, दो दो को ले लूँगा वो भी रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, चार एलिमेंट हैं इसमें, टोटल कितने सबसेट बन जाएंगे, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, तो इसके अंदर टोटल रिलेशन कितने हैं, सोलह हो गए ना। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि एक सेट में यदि पी एलिमेंट है, दूसरे में क्यू एलिमेंट है, तो दोनों सेट से जो बनने वाले रिलेशन होंगे वो क्यू पी क्यू होंगे। अब इन जो रिलेशन बनेंगे, क्या इन रिलेशन में भाई भी कोई रिलेशन होगा, बताओ। एक सेट मान लो उसे भी चार एलिमेंट है, जब मैं इसके सबसेट बनाता था तो क्या फाइव सबका सबसेट नहीं बनता था, बनता था ना। किसी भी सेट का अगर मैं कहूँ एक दो थी, एक सेट है ठीक है एक्स मान लो, इसके अगर मैं सबसेट लिखता था तो क्या लिखता है, सबसे पहले फाइव फिर वन फिर टू और फिर वन, ये लिखता था ना। तो जब वहाँ भी चार एलिमेंट हैं और मैंने कहा कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे सारे रिलेशंस हैं, तो क्या फाई सबसेट नहीं है उसका, तो फाई रिलेशन हुआ ना। इसी तरह से ये सेम टू सेम, वन ए वन बी टू ए और टू बी, जिनके एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है और ये भी, ये भी रिलेशन बनेगा सारे इकट्ठे ले लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं फाई रिलेशन, ठीक है। और ये यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल या उसे हिंदी में कुछ और लिखा हुआ होगा, अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और इन दोनों रिलेशन को हिंदी में तो बोलते हैं तुच्छ संबंध, तुच्छ, और अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिवल। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं दो सेट्स में हम रिलेशन निकाल लेंगे, ये रिलेशन हर जगह मिलेगा सेट रिलेशन का, फाइव भी हर एक में रिलेशन होगा और ये भी, वो ऑटोमेटिक सारा भी अपने आप होगा, तो इन रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिवल रिलेशन। देखो अगर कहीं दिया हुआ हो उसमें, तो हिंदी वाले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि एक रो से क्या हुआ, एक तो फाइव हो गया और ये क्या है सारा का सारा, एक रोस बी और एक रोस बी, ये उस कंडीशन में जब दो सेट लिए, अगर रिलेशन ऑन सेट ए ही हो तो उसका मतलब फाइव और एक रोस ए दोनों ही क्या हैं, ट्रिवल रिलेशन। ये रिलेशन हर जगह हर सेट में इसे होता,
फाइल से या कुछ जो भी सिस्टम हो वो हम अपना थोड़ा सा अब हम लोकेशन को पढ़ लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल बुक से ही ले लेते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में देखो अगर हम इन चीज़ों को बुक से पढ़ें तो समझना देखो संभव तो है नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चीज़ें जो हैं थोड़ी बोरिंग लगने लगती हैं, ठीक है। मैं तो वही चीज़ बुक में लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे अभी जो रिलेशन की बात करी, एक रिलेशन हमारे पास आई आया और एक आया एक और, ये कैसे दो रिलेशन है, जबकि बात की कि एक सेट पे है, दो सेट होते हैं। इनको मैं समझाऊँ फाइव रिलेशन क्या है। एक सेट ए है, ठीक है, मान के चलो आपका रेम्बो स्कूल रेम्बो बॉयज स्कूल है ही हमें, ठीक है। तो रेम्बो बॉयज स्कूल है, एक सेट ए लिया, इसमें 11th क्लास के स्टूडेंट लगा दिए हमने, ठीक। एक सेट बी लिया, इसमें हमने 12th क्लास के स्टूडेंट ले लिए, बना लिए दो सेट। मैं कह रहा हूँ कि ए आर से संबंधित है, कैसे, मैं कह रहा हूँ कि इसके जो दो एलिमेंट है 11th क्लास का जो स्टूडेंट है वो 12th क्लास के स्टूडेंट की बहन, एक रिलेशन बनाया एक ऑर्डर पे, यानी कि यहाँ से गर्ल ले ली मैंने और यहाँ से बॉयज। रिलेशन का नाम मैं दे रहा हूँ कि क्या है, बहन है। एक यहाँ से जो लड़की ली, यहाँ से लड़का लिया, वो बहन है। जबकि हमने पहले क्या कह दिया कि स्कूल कैसा है बॉयज का, तो क्या बहन का संबंध ऐसे स्कूल में संभव है? जब ऐसा कोई संबंध नहीं है तो संबंध क्या कहेंगे? नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। ये यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होगा? ये ऐसा रिलेशन होगा, मान लिया हमने कहा कि 11th स्टूडेंट क्लास के बच्चे ले लिए और 12th क्लास के बच्चे ले लिए, और हम कहें कि एक बच्चा इस क्लास से लें, एक बच्चा इस क्लास से लें, दोनों की हाइट का डिफरेंस 2 मीटर से कम। 2 मीटर का कितना मतलब क्या होता है? लगभग 6.5 फीट। तो दोनों क्लास के बच्चे किन्हीं का भी डिफरेंस नाप लो, हमेशा इसी से कम रहेगा, तो सारे आगे बच्चे इसमें, जिसने सारे कवर कर लिए वो ऐसा सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल, क्योंकि सभी की हाइट 2 मीटर से कम होगी, और वो भी डिफरेंस कह रहा, वो हाइट भी नहीं कह रहा कि उनकी हाइट का डिफरेंस, हालांकि हाइट का डिफरेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1.5 फुट तक रह सके, 2 फुट रह सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इस तरह के रिलेशन, ठीक है। अब एक छोटी सी और चीज़ है, अब रिलेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि किस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक। हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए इसमें 3 कंडीशन बताई है। नंबर 1, शायद अंग्रेजी में हिंदी में समतुल्य लिखा हुआ क्या है, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्सिव, ठीक है भी। दूसरी बताई है इसने सममित, अंग्रेजी में इसको सिमेट्री बोलते हैं, ठीक। तीसरा बोला है इसने संक्रामक,
उसको बोलते हैं ट्रांजिट। पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, बच्ची क्यों भागे हैं समस्या क्या होती है इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इंजेक्शन जब कोई चीज़ फ्री की मिलती है ना उसी का नहीं कोचिंग की कहीं आपसे पहले मैं कौन सा क्लास की पढ़ाते थे बढ़िया, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाने को देख रहे हैं क्या मेरे नहीं, चलो जो और चैप्टर भी उन्होंने समझाए हैं और अब तक मैंने जो समझाया है कुछ पढ़ाने की टेक्निक को डिफरेंस नज़र आया ये कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने अब तक पढ़ाई और ना समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से आपको स्टार्टर मिल सकता है 11-12 का तो ऑलमोस्ट यहाँ आपका 100% कवर हो जाएगा बढ़ जाएगा, फिर जाकर ट्यूशन देने शुरू करते हैं इंजीनियर का भी टच हो जाएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको कंसेप्ट कोई ऐसा नहीं बचेगा जो ना पढ़ाएगा, क्योंकि ये बाद में इसलिए पढ़ाते हैं इसमें फिर जब सम पूरा हो जाए ना आधा दूरा बताया बच्चों को समझ में आए ना आए तो पहली बात तो यही टॉपिक से टीचर को समझ में आए। देखिए अच्छा समझना किसी चीज़ को अपने आप समझना आसान है लेकिन दूसरे को समझाना बहुत मुश्किल है। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक बी है या हम ये रिलेशन ऑन ए है यानी कि सेट ए पर कोई रिलेशन है ठीक है, अगर कोई सेट ए पर रिलेशन है तो इसको हम ऐसे तो लिखते हैं ठीक, इसके जो एलिमेंट होते हैं हम उनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रिलेट बी, भाई इसका एलिमेंट इसका बी एलिमेंट दे दे एक दूसरे से रिलेट होंगे। ये क्या कहता है कि अगर ए और रिफ्लेक्ट का मतलब ये है इसका मतलब हमारे रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट उनका सेम होना चाहिए, समझ रहे ए सेट ये भी ए सेट इससे भी ए लें इससे भी ए लें इस तरह के ऑर्डर पेयर उसमें होने चाहिए ठीक। या रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, परावर्तन किस चीज़ का होता है लाइट का होता है, अगर हम शीशे में के सामने खड़े होंगे
तो चेहरा उसमें हमारा दिखाई देगा किसी और का, हमारा ही दिखाई देगा। तो ये समझ लीजिए इस ऑर्डर पेयर में ये कंडीशन होगी कि अगर इधर ए है तो यहाँ भी ऑर्डर पेयर में ऐसा रिलेशन अगर है, इस तरह का ऑर्डर पेयर है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब एक सम्मति होनी चाहिए। सम्मति का मतलब इस तरह से अगर कहूँ कि ए और बी किसी रिलेशन आर में है, इस तरह का ऑर्डर पेयर उसमें है, तो ई ए भी इसमें होने चाहिए। कहने का मतलब इस बार इन्होंने दर्पण यहाँ लगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में तो वहीं बीच में लगा दिया उन्होंने, यहाँ इसने यहाँ लगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संतरा में कोई चीज़ यहाँ से चली। मान लें सपोज करो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, भी ठीक, यहाँ से तो प्रोडक्ट चलेगा, एक वो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको पहुँचाते हैं और यहाँ आपका कस्टमर, ठीक, यहाँ से यहाँ आया यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को देगा, ठीक है, इनका तो कोई डायरेक्ट संबंध ऐसा बना नहीं, लेकिन डील तो होगी ना इसके, इसकी डायरेक्ट की। अब इसका कोई रोल रहा ख़त्म हो गया, जब प्रोडक्ट जब इसके पास पहुँच गया तो उसका रोल ख़त्म हो गया। तो ऐसा ही ट्रांजिटिव है, क्या ये कहता है कि अगर एक ऑर्डर पेयर ऐसा है और दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा है, तो इसका मतलब है इसमें एक ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए, जैसे कि वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराते हैं दूसरे से। मान लिया मैंने आपको मिलाया, आप किसी और से मिला दे तो उसकी चीज़ डायरेक्ट बात। तो इसमें यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ए बी से संबंधित है, यानी कि ए बी है और बी सी है, तो बीच वाले दोनों निकल जाएंगे इस तरह से, समझो ए और सी वाला भी होना चाहिए। अगर इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। और जिसके अंदर तीनों चीज़ें होंगी, तीनों क्या होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, ठीक है, जिसके अंदर तीनों होंगी उस रिलेशन को बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता सम। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से ईयर नोट कर लेते हैं, क्योंकि बुक्स में तो अपनी ये चीज़ें ना पढ़ा कर आपको डायरेक्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आ जाता है। मान लिया आपके फर्स्ट के बच्चे, अलेवेंथ के बच्चे, उसे फिर समझ में आ जाए, लेकिन आपने अगर इतना यहाँ पढ़ाया जा रहा है इंटर लेवल पर मान लो थोड़ा ही
इस पर भी कमांड कर ले तो आपकी मान लीजिए जीवन में अपने काम लेती है। नहीं देखो जब तुम्हारा मैथ बढ़िया है एनडीए के लिए जा सकते हैं। ये वीक रहेगा फिर भी फिर तो आप हर जगह पर पाँच मिनट में डर के बात पक्की काम कर लेना पूरा देगा आपको लगे ये का बोलता है ना इस साल यानी कि पहले साल के लिए तो बनाए इसके ले जाएंगे ताकि एक साल वो खराब ना। अगर आपने बी एस सी किया बीट नहीं हमारे को हो गया होगा कोई तो आपने नहीं से बी टेस्ट कर रहे ठीक है तो बी यहाँ दो साल की रह जाएगी फाइव लाख ये भी कर लिया नहीं इतने साल खराब नहीं बनेगा या फिर अपना रेगुलर फाइव लाख बी एस सी में एडमिशन ले लो तो बी एस सी छूट जाएगी तो उसमें पेपर ही तो लेने और करना क्या है। देखो एक सेट है हमारे पास सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ये कि समुच्चय एक दो तीन समुच्चय क्या दिया हुआ एक दो तीन में एक रिलेशन दिया है इसने आर इक्वल टू वन वन टू टू थ्री थ्री वन वन टू टू थ्री थ्री वन टू टू थ्री वन टू ठीक है यह संबंध समतुल्य है परंतु न तो समित है और न समता यानी कि हमें दिखाना चाहिए रिफ्लेक्सिव तो है तो ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव। अब देखिए पहले इस रिलेशन को आप समझो पूरी तरह से ये तो बिल्कुल ना स्टैंडर्ड दे दिया ये है एक सेट ए ठीक एक इसने रिलेशन ऐसा बनाया आर सच दैट ए टू ठीक
इसके मैं अगर ऑर्डर पेयर बनाऊँ एक्चुअल में, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा ना तो काफ़ी अच्छी तरह समझ जाएगा। इसमें मैं एक रो से ए निकाल दूँगा, यही है ना, वन से वन, वन से वन से वन, टू से टू से, थ्री से थ्री से, ये बना। अब वो कह रहा कि हमें ये भी पता है इसके कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर 9 इसमें रिलेशन होंगे, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256 × 512 रिलेशन है इसमें, यानी कि इसके इतने सबसेट बन जाएंगे, और वो जितने भी सबसेट बनेंगे उनमें से ये एक सबसेट है। 512 बताए ना, तो जो ये 512 हैं उन 512 में से मात्र ये एक सबसेट दिया होगा इसमें से, उस रिलेशन में इस सेट है, समझ में आई। अब नंबर एक इतनी चीज़ समझ में आ गई कि कितना बवाल है ये रिलेशन, हमें तो अकेला लिखा हुआ दिख गया कि शायद इसी से बन गया इतने से, लेकिन कितने बड़े उसमें थे एडजस्टमेंट में थे इसने ये उठाया। सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। इट मीन्स क्या है, इन आर 1 1 भी है, 2 2 एंड 3 3, दैट इज ए रिलेट टू ए लिख लो, या ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रिलेशन रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर ए बी आर में है, इट मीन्स बी ए बी किस में होना चाहिए, आर में, 1 1 2 2 3 तो छोड़ ही दो, ये तो है ही बिल्कुल ऐसे, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, 1 2 है, क्या 2 1 है इसमें, 1 2 तो है, क्या 2 1 है, तो इसलिए सिमेट्री, 2 3 है, 3 2 भी नहीं है, अगर एक भी जगह फैल होगी तो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव, 1 1 1 2 इनसे तो कुछ नहीं निकलने का, 1 2 है, 2 3 है, क्या इसमें 1 3 है, अगर इसमें 1 3 और लिख दूँ तो ट्रांजिटिव हो जाएगा ये, लेकिन सिमेट्री, अगर सिमेट्री इसकी बनाऊँ हो तो 1 2 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, समझ में आ गया। तो दिस रिलेशन इज नॉट इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है, इसी से अगर हम एक इक्वलेंस रिलेशन लिखने की कोशिश करें, इक्वलेंस रिलेशन के लिए एक तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये ऑर्डर पेयर हमें चाहिए ही, ये किसको सेटिस्फाई करेगी, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्री 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक, 2 3 है तो क्या होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए, चलो सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव 1 2 2 1 तो 1 1 भी है, ठीक है, 2 3 3 2 तो 2 2 भी है, 1 2 2 3 तो 1 3 तो नहीं है ना इसमें, 1 3 और भी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव किसी के बीच में तो लगा सकते हैं हम, 1 2 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, और क्या 2 1 और 1 3 तो 2 3 भी हो गया, ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्वलेंस रिलेशन, लिख लो से इसे एग्जाम्पल, क्योंकि बुक्स में नहीं है इस तरह से मिलेगा,
देखो ये हो गया से ज़्यादा देखिए एक सेट टी दिया हुआ है, क्या है किसी समतल में, कोई भी समतल मतलब कहीं भी प्लेन है, किसी समतल में त्रिभुज होगा, पता नहीं कितने त्रिभुज हैं, बहुत ज़्यादा त्रिभुज, और जो रिलेशन है रिलेशन ये है कि टी वन और टी टू अगर दो त्रिभुज हैं आप जो कह लो उसे लिख सकते हैं टी वन टी टू सच है टी वन टी टू के सर्वांश ठीक है। एक तो कभी फजल मत होना कि यहाँ जो है प्लेन है ये वो ये ए रिलेशन ऑन ए प्लेन टू प्लेन चला गया ठीक है। और उसी प्लेन को अगर हम बात करें टी वन टी टू के सर्वांग समय यानी कि जो रिलेशन है वो ये था। अभी हम देखते हैं क्या ये रिलेशन तुल्य है नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे रिफ्लेक्सिव, अगर कोई त्रिभुज P1 लिया तो वो क्या स्वयं के सर्वांग सम है ना, तो रिलेशन कैसा हो गया सिमेट्रिक। अगर T1 T2 के सर्वांग सम है ठीक, इसका मतलब ये भी तो होगा कि T2 T1 के सर्वांग सम है ठीक। ट्रांजिटिव ले लो, अगर T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है तो क्या इससे मीनिंग ये नहीं निकलता कि T1 T3 के सर्वांग सम है तो रिलेशन कैसा हो गया ऐसे ही एक रिलेशन है परपेंडिकुलर इन्हें एक प्लेन है जिसमें लाइन है परपेंडिकुलर है एक जो हमने यहाँ पर रिलेशन लिया वो है परपेंडिकुलर। तो क्या किसी प्लेन में जब हम परपेंडिकुलर्स लाइन ले रहे हैं कहने का मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर अगली लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर ही है इसके परपेंडिकुलर ही है इसके परपेंडिकुलर किस तरह वो है लाइन। अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करें कोई लाइन एल ली
क्या हुआ है, स्वयं के परपेंडिकुलर होगी तो एल एल रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई लाइन स्वयं के परपेंडिकुलर नहीं। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या, यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 बिलोंग टू R का मतलब यही तो है, इसका मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी? होगी नहीं है? ये लाइन L1 है और ये L2 है। जब L1 L2 L1 के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा? तो क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्टिव नहीं है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तुम बताओ है या नहीं है? L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है? नहीं। देयर इम्प्लाइज L1 नॉट परपेंडिकुलर L3, या आप लिख लो L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R बिकॉज दे आर पैरेलल। मैं कैसी लाइनें हैं? पैरेलल, इनसे लिख लो क्वेश्चन एक पर दोनों, ये दोनों क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल टू है, एग्जाम्पल थ्री में पढ़ो, पढ़ो देखो समझ में आ रही है।
यानी कि कोई भी दो इंटीजर ले लो, वो दो से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा रिलेशन इसने कहा कि ऐसे इंटीजर होने चाहिए जो दो से डिवाइड हो। इसमें हमें तुल्यता चेक करनी, सबसे पहले तो हम करते हैं रिफ्लेक्ट, ठीक। अगर ये इसमें है या नहीं, अगर स्वयं में से स्वयं को घटा दे क्या आएगा, तो जीरो टू से डिविजिबल है, जीरो को टू से भाग कर सकते हैं, जीरो से ही तो नहीं कर सकते, जीरो को तो कर सकते, ठीक है। तो इजली है, यानी कि दैट इज ए माइनस ए जीरो अपॉन टू डिविजिबल है, तो रिफ्लेक्स भी हो गया। नंबर टू सिमेट्रिक, अगर a b belong to R है, that is a minus b divisible by 2 है, तो अगर हम उनके इन चेंज कर देंगे वो डिविजिबल बाय 2 नहीं रहेगा। तीन माइनस एक डिविजिबल है, तो क्या है एक माइनस तीन ही डिविजिबल है, साइन का तो फर्क पड़ेगा, उससे तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए बी बिलोंग टू आर, दैट इज ए माइनस बी डिविजिबल बाय टू, ठीक, एंड बी सी दैट इज बी माइनस सी डिविजिबल बाय टू, ठीक, दैट इज इम्प्लाइज, क्या ए माइनस सी डिविजिबल बाई टू होगा, देखते हैं अभी करके। तीन नंबर ले लो, टू थ्री फोर ले लें, क्या टू माइनस थ्री डिविजिबल है, जब टू माइनस थ्री तो आपके तो हम बाद में चलेंगे, ऐसे नंबर लें जो डिविजिबल बाई टू हो, पहले तो हम ले सकते हैं वन और थ्री, फिर ले लेते हैं थ्री और फाइव, एक ऑर्डर पेयर ऐसे ले लिया, एक ऑर्डर पेयर हमने, वन थ्री डिविजिबल है, थ्री फाइव डिविजिबल है, क्या वन फाइव डिविजिबल है, तो क्या हो गया ये, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए सेट वाले, तो हम कुछ इंटीजर या रियल नंबर अपनी तरफ से पुट करके उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, क्या एक्चुअल में ये जो कह रहा है वो बात सही है या नहीं। नोट करना,
रिलेशन में मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ उसने दिया हुआ नहीं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें जो हमने कल फंक्शन पढ़ाए थे। फंक्शन के हम टाइप पढ़ते हैं, तो फंक्शन हमारे जितने प्रकार के, एक तो हमने जैसे एक पॉलीनोमियल के लिए कल ग्राफ प्लॉट किया था। अगर हम कोई भी, एक तो ध्यान रखना, कोई भी ग्राफ अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ग्राफ, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी ऐसे भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ग्राफ हो सकता है। अगर हम वाई एक्स के पैरेलल टू वाई एक्स लाइन ड्रॉ करें, और वो लाइन किसी ग्राफ को दो जगह पे काट दे, वो फंक्शन नहीं। ठीक है, क्या समझे? अगर हम वाई एक्स के पैरल, मान लिया कोई भी हमें पॉलीनोमियल दे दिया या कुछ भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया और प्लॉट करके हमने वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो उसको कट करती हो, अगर वो उसको दो जगह कट कर देगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन वही होगा जो एक जगह कट करेगा। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं। अब क्यों नहीं है? हमने कल पढ़ा था कि दिस इज नॉट अलाउड, ये तो अलाउ है। इधर के दो एलिमेंट की इमेज एक तो हो सकती है, लेकिन इधर के एक एलिमेंट की दो इमेज, एक्स एक्स एक है, यहाँ पे एक्स का तो कोऑर्डिनेट एक रहेगा, लेकिन इसके साथ में इस वाई के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, तो इसलिए फंक्शन, जो चीज़ यहाँ हमने वैसे बताई वहाँ ऑर्डर पेयर में आई, यहाँ अगर आपने ये तो दिख गया ना कि x की वैल्यू, एक x की वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू आ गई, दो आ गई, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, अब एक फलन होता है हमारा एक ही फलन, एक होता है बहु एक फलन, बहु एक। ठीक, एक टर्म हमारी आती है आच्छादक, एक और उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इन्हें जब हिंदी में तो टफ रहेंगे, आप जब आपको पढ़ोगे इंग्लिश भी पढ़ोगे सारे। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, एक तो होता है वन वन, क्या होता है, एक टर्म होती है मैनी वन। ठीक, इन्हीं के साथ एक और टर्म जुड़ जाती है, या तो इनटू जुड़ेगी या और जुड़ेगी, तो कुल मिलाएगा कितने तरह के नाम बन जाएंगे, या तो वन वन इनटू होगी, फंक्शन है इसको मैपिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, या तो वन वन इंटू होगी, या वन वन ऑन टू होगी, या मैनी वन इंटू होगी, या मैनी वन ऑन टू। ठीक है, जो टर्म आई वन वन, क्या आई,
वन वन को एक वर्ड में बोलते हैं इंजेक्टिव, क्या बोलते हैं? ठीक, ऑन टू ट्रम्प को बोलते हैं सर्जेक्टिव, इसलिए लिखवा रहा क्योंकि कल को लर्न कर जानी है। ऑन टू क्या बोलते हैं? वन वन, ऑन वन वन को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव। और जो वन वन ऑन टू होता है, दोनों दोनों जिसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी कि वन वन भी हो ऑन टू भी हो, उसको बोल देते हैं बाईजेक्टिव। क्या बोल देते हैं? क्योंकि वन वन भी है, दो जेक्टिव आ गए, इसलिए इसको बाईजेक्टिव बोलते हैं। इसे नोट कर लो, कल को फिर मैं इनके बारे में बता के फिर देखेंगे आए उसके जेब के क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि ये बताना अभी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कोई चीज़ आप बोलिए।